नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां पर भीषण हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है। साथ ही हादसे में 8 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि हादसा तब हुआ जब बस पुंछ जिले के ही सौजिया से मंडी जा रही थी। हादसे के बाद प्रशासन का इंतजार किए बिना स्थानीय लोगों ने ही पहल करते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया था। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। मैनपुरी में जनता राइस मिल के मालिक के बेटे राम सेवक के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने आए प्रसपा राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में हमारी पार्टी का संगठन तैयार है और हम चुनाव भी लड़ेंगे और सरकार में भी आएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का संगठन 75 जिलों में तैयार है। 16 सितंबर को हम बैठक करेंगे। गठबंधन के सवाल पर बोले, अभी समय दूर है, जब 6 महीने रह जाएंगे तभी गठबंधन किसी पार्टी से करना होगा तय किया जाएगा। साथ ही पूर्व मंत्री शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुभाष चंद्र यादव का स्वास्थ्य का हाल जानने उनके आवास पर भी पहुंचे। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में युवकों ने दबंगों पर अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पूर्व विधायक का ड्राइवर है। साथ ही पीड़ित ने आरोप ये भी लगाया कि दबंग ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। पीड़ित का कहना है कि वो हर जगह न्याय की गुहार लगा चुका है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। हमें डाले हैं वो वीडियो, हम बहुत परेशान हैं, हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। वो उनके बगल में एक ज़मीन था, उस पर पावा पिल्लर मारा हुआ था, वही देख के हम 4-5 महीना पहले बयाना दिए थे। अभी 2-3 दिन पहले हम इसको रजिस्ट्री कराए हैं और हमारे वो रजिस्ट्री होने के बाद तुरंत रामकरण उस पर हमारे ज़मीन पर छज्जा पड़वा रहे हैं। हमने खुद मुरादाबाद के कुंदुरकी थाना क्षेत्र के जैतपुर पट्टी में लाखों की लूट के बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। हत्या की खबर से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। साथ ही मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज लगभग 5 बजे के करीब पुलिस स्टेशन कुंदुरकी में सूचना मिली कि जैतपुर पट्टी गाँव में एक व्यक्ति है जिनका नाम है मुश्ताक, लगभग करीब उम्र है 60 वर्ष, उनकी घर में ही किसी ने उनका मर्डर कर दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने सारे चीज़ों को देखा और उसके बाद जो मृतक है उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा अभी दर्ज कर लिया जाएगा और आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या के पीछे की वजह क्या है सर? हत्या की वजह जो उनके घर वालों से पूछताछ की सकी तो उनका शक अपनी भाभी पर है, जो उनके बड़े भाई की वाइफ थी। उनके बड़े भाई की डेथ हो चुकी है तो उनसे कई दिनों से उनका पारिवारिक विवाद चल रहा है, तो उन्होंने उनकी भाभी और उसके परिवार वालों के खिलाफ तहरीर दी। प्रयागराज के हांडिया नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 की सभासद यास्मीन बेगम ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र मंडलायुक्त प्रयागराज को भेजा, जिसमें उन्होंने MRF सेंटर के मानक के अनुसार कार्य न किए जाने के संबंध में शिकायत की थी, जिस पर 15 दिनों में मंडलायुक्त ने जांच का आदेश दिया था। इसको देखते हुए मंडलायुक्त ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन और उप जिलाधिकारी की संयुक्त टीम गठित कर जाँच के लिए भेज दी और MRF सेंटर में जाँच टीम ने पहुंचकर सेंटर की जाँच की। जाँच में सहयोग के लिए अधिशासी अधिकारी चैतन्य कुमार तिवारी उपस्थित रहे। अलीगढ़ के खैर कोतवाली क्षेत्र में एक सिरफरे युवक ने महिला को गोली मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घायल महिला के इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। साथ ही सूचना पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर सिरफरे ने महिला पर गोली क्यों चलाई। गाजीपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल बैरिकेडिंग तोड़कर भाग रहे सरिया से भरे ट्रक का जब पुलिस ने पीछा किया तो ड्राइवर ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिस पर पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। इस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हो गया। पुलिस ने लूटे हुए ट्रक को भी बरामद कर लिया है। आज लगभग 7 से 12 बजे तक चेकिंग के आदेश दिए गए थे। इसमें समस्त वाहन बैरिकेडिंग डाल के प्रत्येक थाना क्षेत्र में चेक करने के लिए कहा गया था। एक ट्रक जो कि झारखंड पासिंग का है, वो गहमर की तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ते हुए, पुलिस ने रोकने की कोशिश की, बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वो सोहवल के मेदिनीपुर की तरफ आया था। उसको इंटरसेप्ट किया गया थाना सोहवल की टीम, SOG की टीम और घेमर की टीम द्वारा, और उसको रोकने पे उसके उसमें बैठे हुए एक व्यक्ति ने फायरिंग जो है ना शुरू कर दिया। अन्य जो 2 व्यक्ति थे
वो वहाँ से फरार हो गए। जो एक व्यक्ति और अन्य व्यक्ति जो फायरिंग करना कर रहे थे उसमें से एक व्यक्ति को जवाबी कार्रवाई में गोली लगी है, उसको प्राथमिक उपचार के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जो प्राथमिक सूचना इस व्यक्ति से मिली है इसमें ये पता चल रहा है कि ये ट्रक जो है ये लूट का ट्रक है जो कि झारखंड से निकला हुआ था। बिजनौर के जतर भोजपुर इलाके में गुलदार की दहशत से ग्रामीण डरे हुए हैं। वहीं वन विभाग की टीम ड्रोन कैमरे से गुलदार की खोजबीन में लगातार जुटी हुई है। सीतापुर के विकासखंड मोहली के गांव पंचायत परसेहा के मनरेगा मजदूर अपनी समस्या को लेकर ब्लॉक मोहली पहुंचे, गेट पर ही धरने पर बैठ गए। मनरेगा मजदूरों का आरोप है कि हम लोगों को मनरेगा की तरफ से कार्य मिला था जिसमें ग्राम रोजगार सेवा की लापरवाही से कार्य में बाधा डाली गई, इसी को लेकर हम लोग खंड विकास अधिकारी से मिलने आए हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे खंड विकास अधिकारी ने सभी मजदूरों की बात को गंभीरता से सुना है और तत्काल समस्या के समाधान का आश्वासन भी दिया। मजदूर परसेहा ग्राम पंचायत के मजदूर थे, इनके द्वारा कार्य की डिमांड करी गई थी और 28 अगस्त को इनको कार्य भी आवंटित कर दिया गया था, मस्टर रोल भी निर्गत कर दिए गए थे, परंतु इनके द्वारा कहा जा रहा है कि ग्राम रोजगार सेवक द्वारा अवगत नहीं इनको कराया गया कार्य के विषय में। तो इसी के संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है कि उस संबंध में 4 दिन कार्य करने में सक्षम रहे हैं। तो इसकी जाँच मैं अभी APO और सेक्टर APO से करवा रहा हूँ, तो जो भी निष्कर्ष निकलता है उससे आपको अवगत करता हूँ। सुल्तानपुर से अयोध्या हाईवे मार्ग पर भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। हादसे की चपेट में चाय की दुकान और ऑटो आ गया। अनियंत्रित ट्रक दुकान और ऑटो पर पलट गया जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अमेठी में शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई जिसके कारण आग की चपेट में दुकानदार का पूरा परिवार आ गया। ग्रामीणों की मदद से बच्चों और परिवार को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।